मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा के जाने माने समाज सेवक फारूक काजी का आज निधन हो गया। अचानक फारूक काजी की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। मगर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि फारूक काजी को सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी, और जिस एम्बुलेंस में फारूक काजी को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन की सुविधा भी नहीं थी और न ही कोई डॉक्टर मौजूद था। रीति बंदर के पास पहुंचते पहुंचते आखिरकार फारूक काजी का निधन हो गया। अगर इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती और डॉक्टर मौजूद होता तो शायद फारूक काजी बच सकते थे, क्योंकि फारूक काजी को सांस लेने में काफ़ी तकलीफें हो रही थी। और एक बात और आपको बता दें कि फारूक काजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें फारूक काजी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लापरवाही सामने आ रही है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी और ना ही मुमरा कौसा के अस्पतालों में ICU चालू है। इतना बड़ा मुमरा कौसा शहर है और अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक की लापरवाही सामने है। वहीं NCP के कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान से हमने फ़ोन पर बात की है कि आखिर मंत्री और आप बेहतर एम्बुलेंस सेवा और मुमरा कौसा के बंद पड़े ICU पर क्या कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है शमीम खान ने। शमीम भाई, प्रहार टाइम से कई लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि एम्बुलेंस में ना ही ऑक्सीजन है ना ही डॉक्टर है, जिसकी वजह से कई लोगों की जो है मौत भी अब तक हो चुकी है। तो इस पर आपके मंत्री और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए इस्लामुद्दीन साहब बात कर रहे हैं ना? हाँ। देखिए इस्लामुद्दीन साहब, फर्स्ट बात तो यह है कि एम्बुलेंस में आपने जो कहा कि ऑक्सीजन तो है ही है। यहाँ पे मेरे भाई फरीद नूरी साहब की तरफ से उन्होंने मुमरा कौसा में एक एम्बुलेंस कैडियर का इंतजाम कराया है, जिसको मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इतना सराहनीय काम किया है। हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। इस तरीके से उस एम्बुलेंस में उनके पास पहले डॉक्टर्स थे, लेकिन क्या होता है कि जब हालात आज जो हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं COVID-19 को लेकर, उसमें कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद कम से कम 4-5 एम्बुलेंस और भी चल रही है कैडियक की, लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर नहीं आते हैं, उनको भी डर लगता है। डॉक्टर तो नहीं आते हैं कहीं ना कहीं, तो जो है ड्राइवर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि मैं मुबारकबाद करूँ दूंगा फरीद नूरी साहब को। बताइए समीम भाई, अगर डॉक्टर भी डरेंगे तो फिर मरीज का इलाज कैसे होगा? मुमरा कौसा के जो डॉक्टर इस शहर से अब तक करोड़ों की कमाई कर चुके, अब ऐसे शहर में जब लोगों को और डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टरों को खुद डर लग रहा है, तो आखिर इलाज कैसे होगा लोगों को? देखिए ऐसा है कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं ये जो आज ये बीमारी है COVID-19 की आपके जो सामने है, हम सबके सामने है, इसमें कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर्स का भी ये रहता है कि भाई उसका भी एक परिवार है, उसकी भी एक फैमिली है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी अपनी जान को देखता है, अपने परिवार को देखता है, उन हालात को देखता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी उससे डरता है इन चीजों को लेकर के। लेकिन इसके बारे में भी हमारा प्रयास जारी है। मेरे बड़े भाई फरीद नूरी साहब, हम सब का, हमारे मंत्री जी का, हम कदम क्या है आपका इस पर आगे क्या आगे कदम है? आगे कदम ये है, आगे कदम ये है कि आज जो एम्बुलेंस है मुमरा कौसा में, चाहे वो कुछ कॉर्पोरेशन की जानिब से हो, चाहे मेरे भाई फरीद नूरी साहब ने जो एम्बुलेंस यहाँ पे रखा है, वो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे शहर की तरफ से कि उन्होंने इतना बड़ा दिल किया अपना कि उन्होंने एम्बुलेंस खरीद के लाए। यहाँ तक कि 10-10 गाड़ियां प्राइवेट चला रहे हो, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो तो उसको फटाक से गाड़ी भी दे रहे हैं आने जाने के लिए वो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर। तो ये बातें बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। लेकिन फरीद नूरी साहब ने भी मुझे कहा है, मंत्री जी से मेरी बात हुई है और मैं खुद, हम लोग सब मिल करके ये देखेंगे कि कोई एक अच्छा उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि एम्बुलेंस में डॉक्टर का इंतजाम हो और डॉक्टर रहे, इसकी पूरी कोशिश हो। और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो है ही ना, कैडियक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है, खाली डॉक्टर की कमी होने में दिक्कत हो रही है। शमीम भाई, जैसे कि बुरहानी अस्पताल है, प्राइम क्रिटिकल अस्पताल है और रहमानिया अस्पताल है, इस समय ICU बंद पड़ा हुआ है। अभी 2-3 दिन हुआ जो है कलीम व्यक्ति के नाम के, जो है कलीम व्यक्ति का जो है
डेथ हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिली, आईसीयू में नहीं भर्ती हो पाया। कलवा में भी जो उसे भर्ती किया गया वहाँ भी लापरवाही बरती गई, ये कागज बनाए वो कागज बनाए, इसी अस्पताल के चक्कर लगाते हुए और जो है कागज बनवाने में जो है कलीम की डेथ हो गई। तो इन अस्पतालों पे जो मुमरा कौसा के अस्पताल है जिनमें आईसीयू बंद पड़े हुए हैं, इन पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह की जो है इस पर एक्शन लेंगे आप लोग? कलीम के साथ जब ये हादसा हुआ था तो उसके बाद हमारी बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा था कि हम पूरी फैसिलिटीज के साथ अभी दोबारा हॉस्पिटल को एकदम अच्छे से करके लेंगे। जिस तरीके से बिलाल हॉस्पिटल जो कौसा में है, बीच में आप जानते हैं कि वहां पे भी एक COVID-19 पेशेंट मिलने के नाते उनको भी बंद करना पड़ा था, जो भी एक गवर्नमेंट का जो भी एक जीआर है उसके तहत। तो इस तरीके से कौसा में जो बिलाल हॉस्पिटल है वो भी शायद कल से चालू हो रहा है, और दूसरी बात जो बुरहानी है या किटी केयर है वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो आप कह रही है सच बात है आपकी, लेकिन उसमें अब काफी सुधार आ चुका है, उसमें भी अब जो है हर फैसिलिटीज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो जो ये आईसीयू बंद पड़े हैं ये चालू होंगे या नहीं होंगे? नहीं चालू होंगे, आईसीयू चालू होंगे। बात डॉक्टर बात मेरी वहां के जो हेड है उनसे मेरी बातचीत हो गई है, वहां पे आईसीयू चालू होंगे और बिलाल में आईसीयू चालू है। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे है कि आप भी कोरोना पॉजिटिव थे और मंत्री साहब भी कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने घरों में रहे और कितनी खतरनाक ये बीमारी है, किस तरह से इससे बचाव करना चाहिए? आप लोग खुद इससे अस्पतालों में इसे जूझ कर अब अपने घर आए हैं, तो क्या कहेंगे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि अगर मुझे बुखार आया, अगर मुझे ठंडी लगी, देखिए हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर कोई सिम्टम्स आपके बदन में आपके बॉडी में दिखाई देता है तो सबसे पहले सर्दी, बुखार, ठंडी लगना, खाना ना खाए जाना, कहीं ना कहीं बॉडी में कमजोरी, कहीं ना कहीं आपके गले में कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं सांस में तकलीफ, अगर इन चीजों में कोई सर में पेन, अगर इन चीजों में कहीं आपको कुछ भी लगता है तो आप प्लीज COVID-19 का टेस्ट कराएं, उसकी जांच कराएं। और आप ये मत समझें कि मुझे टाइफाइड हुआ है रिपोर्ट्स के अंदर तो आप अपने घर में बैठे रहें। शमीम खान ने भी यही समझा था कि मुझे टाइफाइड हुआ, मेरी रिपोर्ट टाइफाइड की आई थी, मैं 15 डेज तक कुछ खाना नहीं खा पाया था, लेकिन मेरे मंत्री जी ने मुझे जब कहा कि नहीं कल आपकी सुबह रिपोर्ट होना चाहिए तो मैंने मेरी रिपोर्ट कराई और मैं पॉजिटिव पाया गया। ये बीमारी को आप हल्के में मत लो। आप ये समझते हैं कि हम हमारे घर में रह करके हम ट्रीटमेंट करके और हम बच जाएंगे, किसी को मालूम पड़ेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। तो मैं आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आज इसकी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं थाने कॉर्पोरेशन की जानिब से भी की जा रही है। आपको थाने सिविल हॉस्पिटल जाना है, आपको बहुत सारी जगहें हैं हम बताएंगे आपको, वहां जाकर के अगर आपके पास प्राइवेट में करने की सुविधा नहीं है तो जाकर के आप COVID-19 का टेस्ट कराएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।